सो वे फाइनली आज फिजा का कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है, पूरा पढ़ लिया। मदरसे की बाजी हैं, इनको उन्होंने कुरान पाक पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया मम्मा ने कुरान पाक, लेकिन एक मदरसे की बाजी हैं, उन्होंने फिजा को कुरान पाक गिफ्ट करा। फिजा ने थोड़ा सा उनसे पढ़ाई शुरू का, तो उनके लिए केक लेके जा रही है और ये बिस्किट्स हैं जो कि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ख़त्म कुरान की दुआ आपको भी सुनाएंगे, बिजी ना करिएगा। हाँ, एक कुरान पाक की रेल मेरे मामू के बेटे ने जिसको गिफ्ट करी, बहुत ही खूबसूरत आशिक भाई की बहन, बहुत ही खूबसूरत माशा अच्छी है। तो ख़त्म कुरान की दुआ मिस नहीं करिएगा, ब्लॉग देखते रहिएगा। तो भाई रात हो चुकी है और मिठाई वगैरह लेने जा रहे हैं। ख़त्मुल कुरान की दुआ तो इसने पढ़ ली अपने मदरसे में ही, तो मैंने नशरा भी हुआ है, तो मैंने कहा यार अब चलो थोड़ा खानदान के कुछ करीबी जो घर हैं, मैंने कहा वहाँ पे ज़रा मिठाई बांटें, तो मिठाई भी लेने जा रहे हैं बाज़ार से, मिठाई लेते हैं। तो इसको अगेन मैंने कहा ब्लॉग में तो लूँ ना, ख़त्मुल कुरान की दुआ ब्लॉग में तो ली नहीं है, ज़ाहिर मदरसे में तो मोबाइल जाने से रहा, तो उसको अगेन ख़त्मुल कुरान की दुआ पढ़वानी है पर ही, और उसके बाद मिठाई बांटनी चलेंगे। तो अभी चलते सीधा मिठाई लेंगे। तो ये फाइनली मिठाई ले ली, पकड़ो भाई, इसका कुरान पाक कंप्लीट हुआ है, खत्म कुरान इसका हुआ है, तो चलते हैं मतलब घर की साइड। तो भाई फाइनली ख़त्म कुरान की दुआ पढ़नी है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताते चलेंगे, जो कुरान पाक की रहल है ये फिजा को गिफ्ट आई और दी किसने, आशिक भाई के जो भाई हैं आमिर भाई, उन्होंने अपने हाथों से बना के गिफ्ट करा है। क्यों भाई ऐसा ही है? तो भाई खोलो माशाल्लाह। और ये भी मुझे मदरसे से गिफ्ट आया है, फिजा को ये भी कुरान पाक मदरसे से गिफ्ट आया है। और चलो भाई स्टार्ट करो, ये देखे अंदर से ऐसा कुछ सिस्टम करा है, यहाँ से इसको स्टैंड लगा हुआ है और आराम से इसे कुरान पाक को रखें और तिलावत स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिजा थोड़ा लाउडली अच्छे से पढ़ना। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم أنس وحشتي في قبر اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله في إماما ونورا مودا ورحما. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل آناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين. चलो भाई फाइनली फिजा का कुरान पाक पढ़ लिया, फिजा ने पूरा बहुत दुआ करेंगे। तो भाई ये जो मम्मा ने बेसिकली जो है मम्मा ने फिजा को कुरान पाक पढ़ाया है, और मदरसे एक मदरसे में बैठ के मम्मा ने फिजा को कुरान पाक पढ़ाया, और जो मदरसे की जो ऑनर थी वहाँ से फिजा को कुरान पाक गिफ्ट मिला, मामू के घर से इतनी खूबसूरत सी रहल मिली है, और बाबा ने मम्मा को जो देते हैं ना उस्ताद को कपड़ा देते हैं, उस्ताद को देते हैं कि उस्ताद ने कुरान पाक खत्म करवाया तो उसको गिफ्ट मिलता है, तो बाबा ने ये सूट मम्मा को दिया। ठीक है चलो भाई अब मिठाई शिठाई थोड़ी आए, खोलो भाई इसकी फिदा करो, नहीं हम खुद कर लेंगे, हम हमारा हाथ है ना।
नाखून इस्तेमाल करोगे। ₹500 ये वापस नहीं देना, ठीक है ना? चलो हो गया अभी बेटा। घुमा दे इसको जरा। अच्छा ये अच्छा इसको ना मैं अंदर को रिंग लाइट पकड़ कर उठा दिया। हड़ी हड़िया फाइनली दुआ वगैरह पढ़ लिया, अब बारी है मिठाई बांटने की। तो शोबर भी रेडी है, फिजा भी रेडी है, तो अब चलते हैं मिठाई बांटने। तो भाई पहला जो घर है वो मेरी बहन की बेस्टी का घर है। ओ सॉरी बेस्टी नहीं, बेस्टी ये नहीं है, ऊपर है आई थिंक। यार एक जो फ्लोर है ना वो मैं भूल गया था कौन सा फ्लोर है, कहाँ जाके खत्म होता है। तुम मानो मेरी जिंदगी में जहाँ जाता हूँ ना मुझे वहीं सीढ़ियाँ मिलती हैं। हाँ यही है। चल 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 जल्दी 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 से निकल, टाइम नहीं है। जब मैं आपके पास एंट्री लेके बैठे थे फिर मैं ना पटेल पे जाके वापस चलेंगे, या तो मैं मॉम के घर जाने वजह से वापस नहीं बदल रहा कौन से पैसे कहाँ से आए। इसके बाद पैसे जमा होना शुरू होगा, दस दस चार भैया बिठाई दो पैसे दो साला घर तो सौ रुपये एक बार इसको मिले। वो तो घर हम पहले गए थे देने, वो सीन ब्लॉग में नहीं है। और अभी एक मेरी सिस्टर की दोस्त है फ्राइडे, मतलब वही बेस्टी बेस्टी मतलब तो बेस्टी यार। तो उनकी वालदा ने भी इनको 100 रुपये दिए, मतलब कि पापा पैसे जमा हो रहे हैं। और मेरा तो सीन हो गया, पता नहीं क्या मेरी कोई चीज़ है वो पता कहाँ गिरी है। ओह माय गॉड तबस्सुम, अरे पता है यहाँ आई कैसे, मुझे पता नहीं मेरी पैंट में सुराग हुआ हुआ जे सुराग में निकल के दाग रहा मेरी बहन की दोस्त के घर पे तो दे दी, तो मैंने सोचा यार मैं भी अपने दोस्त के घर पे दे दूँ मिठाई, क्या जा रहा है। तो खैर जो अबरार जो है ना वो फिजा उसकी स्टूडेंट है ना, सर है सर, सर को मिठाई देना है ये। हाँ एक 5 वाले बिस्किट से इसका मीठा करवा दिया, अबरार का अगेन इसको मिठाई से मीठा करवा रहे हैं, दिल बजा के आने वाले बिस्किट से कम मीठा होते ना, इसने सोचा कि मिठाई से तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हाँ ये चीज़ मेरा जी। अस्सलाम वालेकुम, बड़े बड़े लोग आए, अच्छा वैसे एक बात बोलूं, इबलीस को मिठाई खिलाना बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी खिला दिया हमने। लक दी लालत। चल बस ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आजाद जाना चाचू घर पर मिठाई लेकर भाई। साकिब भाई ने भी जो है ना कितने दिए, 500 रुपए दिए, सॉरी अच्छा 1-0 हटा दो, 1-0 कम कर ले। लेकिन भाई जो बात है उसने दिए पैसे, मैं कहता हूं एक ये निगम में 1 रुपया भी दिए चवन्नी में दी दिया है और ना अभी तक मैं अभी रुक जाओ आपकी सुन ली आ जाओ मैं आपसे भी लूंगी। अभी हमारी उम्र है लेने की देने की नहीं। तो बेटा उसकी भी उम्र लेने की है अभी नहीं, वो मुझसे बड़े हैं ना, तो सीख लो पीछे से सीख लो, करा करो ना हम जैसे बड़ोगे। चलो अब चलते हैं, बहुत करेंगे इज्जत आपकी। अंधेरा बता ही नहीं है कि लोग सब सो रहे थे, कमरे की लाइट बंद है, हमने कहा लाइट बंद ही रहने दो, बड़ा सुकून मिल रहा है। सही बात है ना, सुकून मिल रहा, मजा आ रहा है। ये है अभी थर्ड लास्ट घर है, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद लास्ट। अगर मैं हर घर में आके वीडियो बनाता तो ये ब्लॉग नहीं पूरी फिल्म बन जाती। आप देंगे मामू घर पर सेकंड लास्ट के, रुक जाओ। तो भाई ये बड़े वाले मामू का ये सेकंड लास्ट घर है, इसके बाद डायरेक्ट पप्पू का घर है और वो लास्ट है, और वहाँ पे मैं रात रुकूँगा, उसके बाद सुबह जाऊँगा। क्योंकि पप्पू जो है बड़े टाइम से बोल रही थी तहा चेंज हो गया है और रात रुकता नहीं है, नहीं भाई तहा ये वही है, अब मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन कल संडे है तो मैं कल आज रुकूँगा माए पे, और जो कुरान पाक मैंने रह लिया है मैंने बताया आमिर भाई बनाइए, वो आमिर भाई से मैं आपको घुमाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप लोग? सब सही हो? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक मज़े में। तो भैया आमिर भाई ने रेहल बनाई है। मेरी बहन का कुरान शरीफ ख़त्म हो गया था, हमने उसकी खुशी में ना अपनी छोटी बहन को कुरान शरीफ का बॉक्स दिया। बिल्कुल बेहतरीन, और ये इन्होंने अपने हाथों से इसको बनाया है, और इतना ने मेरे हाथ देखा मैं तो दिल गड़न गड़न हो गया। बेहतरीन आमिर भाई, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। खैर, खुश रहो और अपने आप को भी आबाद खुश रहो, आबाद रखो। चलो भाई अब डायरेक्ट लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाई फाइनली लास्ट कंप्लीट हो चुका है, और बारी अब यहाँ पे खाने की। खाने में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, चावल वाइट वाले, उसके अलावा ये किसका सालन है? पकौड़ों का सालन है, ये भी एक सालन है, चिकन का सीख बोटी है, और इसमें क्या है, कलब फ्राइज है, ठीक है, और इसमें क्या कलब सैंडविच दिख नहीं रहा था कैमरा में, दिख रहा, और ये क्या है, आलू बैंगन, मतलब ये काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। और इसी के साथ में ब्लॉग को एंड करते हैं, यहाँ पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नहीं मिलेगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई फिजा, रात को कितनी कमाई हो गई? 1500 रुपये रात तक कमा लिए, और अभी मैं भी बाकी, मम्मा भी बाकी। वाह 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 वाह, मम्मा भी तकरीबन 500 रुपये देंगे, 2000 रुपये आपसे तो मैं ज़्यादा ही लूँगी। वाह 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 वाह, फुल कमाई का टाइम चल रहा है। इसका मतलब ईद पर मेरे 400 रुपये बनेंगे, 3 तो पहले बनते, 4 बनेंगे। वाह